हेलो दोस्तों, मैं ही पीयूष और स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मोबाइल पर स्कूल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आघात वर्धनीयता और तन्यता, आघात वर्धनीयता जो होता है और तन्यता होता है, इसको बताने वाला हूँ। क्योंकि पता है आपको ये दोनों मिला के 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बताते हैं आपको एकदम अच्छे तरीके से, आप इसको समझ जाएंगे और जिस तरीके से मैं बताऊंगा ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में अपने लिखना है, क्लास 10th साइंस के बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि साइंस में ये आता है। जी हाँ दोस्तों, आपके साइंस में ये आता है जो कि आपको लिखना रहेगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर हम देखते हैं घात वर्धता, और उससे पहले बता दें कि क्लास 10th में अगर आप हैं तो क्लास 10th की पूरी तैयारी आपको इस मोबाइल पर स्कूल चैनल पर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी भी आपको मिल रही है और आगे भी आपको मिलती रहेगी। आपके पूरे बोर्ड एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे और आपका इस बार टारगेट रहेगा 95%+ अचीव करवाना। तो आप हमारा साथ दीजिएगा और अपनी पढ़ाई जमकर कीजिएगा, हम भी आपकी पढ़ाई जमकर करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए आघात वर्धता क्या होता है, हटा देते हैं पेज। देखिए आघात वर्धता एकदम मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, कोई छोटा सा छोटा बच्चा होगा, 5th का भी होगा, आप समझ जाएगा। देखिए आघात वर्धता क्या होता है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुणधर्म को आघात वर्धता कहते हैं। देखिए धातुओं को पीटकर पतली, कुल मिलाकर कोई भी धातु है अगर वह पतली हो जाएगी, उसको पतला कर देंगे, मान लें ये एक धातु है, इसको पीट पीट कर इसको एकदम पतला कर देंगे, तो उस गुण को क्या कहेंगे हम, आघात वर्धता कहते हैं। अब देखिए तन्यता, तन्यता का गुण क्या होता है, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। अब आप समझिए, देखिए कोई भी धातु है, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने का जो क्षमता होती है उसे हम तन्यता कहते हैं। मान लीजिए ये धातु है, इसको हम खींचेंगे, इसको जितना खींच सकें उसे हम तन्यता कहते हैं, समझ गए। जी हाँ दोस्तों, देखिए आघात वर्धता क्या होता है, इसको पीट कर पतला कर दें उसे आघात वर्धता कहते हैं, और तन्यता किसे कहते हैं, इससे अगर खींच ले कोई भी धातु को तो उसे हम तन्यता कहते हैं। बस यही छोटी सी डेफिनेशन थी, आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये आपके 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, 4 में तो आएगा बड़ा लिखना रहेगा, 2 नंबर में आएगा आपका, 1, 2 कुल मिला के 4 नंबर का आपका पूछ लिया जाएगा दोनों मिला के। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।